बड़े और छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों को हंसाने वाले कॉमेडियन कीकू शारदा के लिए बीते 2 महीने काफी कठिन साबित हुए। उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। आंख नम कर देने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में उनके माता पिता दोनों का निधन हो गया, जिनका अभाव वो अपने जीवन में बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। कीकू शारदा ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट में अपने माता और पिता को याद किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कीकू शारदा ने माता पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पिछले 2 महीनों के भीतर मैंने दोनों को खो दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे माता पिता उनकी ताकत थे और जब कभी वो उदास होते थे तो उन्हें उनसे काफी प्रेरणा मिलती थी। कीकू शारदा ने बताया कि माँ को फोन कर उनसे टीवी शो के बारे में अक्सर वो बात किया करते थे। द कपिल शर्मा शो में दर्शकों को अपनी कॉमिक अदाओं से हंसाने वाले कीकू शारदा ने अपने पोस्ट में लिखा कि माँ आपकी बहुत याद आती है, आपके बिना लाइफ के बारे में कभी सोच नहीं सकता था। अब मेरी टीवी शो के बारे में मुझे फीडबैक कौन देगा, मुझे कौन बताएगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ और कहाँ सही, मेरी हर कामयाबी पर अब कौन खुश होगा और मेरी नाकामी पर कौन दुखी होगा। कीकू शारदा ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा कि पापा मैंने आपको हमेशा बहुत मजबूत देखा, आत्मविश्वास से भरपूर देखा, जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करते हुए देखा। आपके पास अपने बच्चों और अपने पोता पोतियों के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, परिवार आपके लिए सबसे अधिक मायने रखता था। जीवन के कठिन दौर में भी आपने उसके पॉजिटिव पक्ष को देखा। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मगर बहुत कुछ और भी सीखना बाकी था आपसे। कीकू शारदा ने अपनी पोस्ट के अंत में कहा कि आप दोनों ने जाने में जल्दबाजी कर दी, थोड़ा रुक जाते कुछ बातें बाकी थी। आपने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया था और आप एक दूसरे के साथ हैं। आपकी याद आती है माँ और पापा। कीकू शारदा की पोस्ट पर लोग उनको उनके माता पिता के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।